करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर पे रजिस्टर्ड और साइनिंग योर सेल्फ, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप साइनिंग कर सकते हो, और अगर आपको फ्रेश आप नए हो तो आपको फर्स्ट रजिस्टर करना है अपने आप को। तो रजिस्ट्रेशन आप इस तरह से करोगे क्लिक, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड और साइनिंग फॉर वैक्सीनेशन, वी विल सेंड यू वन टाइम पासवर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे अपना, आपको एक ओटीपी आएगा मोबाइल पे, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ अपना, और उसके बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी ओटीपी के लिए। अब यहाँ पे मैं अपना ओटीपी जनरेट करता हूँ, ये देखिए मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, अभी टाइम है और ये ओटीपी आ गया। अब मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ मोबाइल पे अपने, ये मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है, वेरीफाई होगा और रजिस्टर मेंबर। नाउ यू कैन रजिस्टर फोर मेंबर्स विद वन मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से आप चार मेंबर्स को रजिस्टर कर सकते हो, चार मेंबर्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एक ही मोबाइल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कुछ, यह आप पढ़ सकते हो। अपॉइंटमेंट है फॉर एज 18 to 44, और स्लॉट्स जो भी अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम करते हैं रजिस्टर मेंबर। तो यहाँ पे आपको फोटो आईडी प्रूफ लगाना है, आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट या पेंशन की पासबुक हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे उसका नंबर लिखोगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सपोज मैं पैन कार्ड से करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर लिखूंगा, फिर मैं अपना नेम एज इन पैन कार्ड, जो भी मेरा नेम होगा पैन कार्ड में मैं वो करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है आपको। ध्यान रहे जो आपका डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वही डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही आपको नाम लिखना है, यहाँ पे किसी भी तरह की इसमें मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद अपना जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, और फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ, ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, ईयर पूछा है। सपोज आपका डेट ऑफ आपका बर्थ ऑफ ईयर है 2000, तो आप लिखोगे 2000, दैट्स इट। उसके बाद आप जैसे रजिस्टर कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपको लिखा आएगा वन डोज, और इस तरह से आपका ये स्क्रीन पर शो होगा। आप देख सकते हो जैसे आप रजिस्टर करोगे तो इस तरह से आपको शो होगा स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जो ओटीपी वाला है, और वही मैसेज आपका रजिस्टर्ड नंबर के लिए यूज़ होगा। तो इन फ्यूचर रेफरेंस यू कैन शो दैट मैसेज, यही मैसेज रहेगा। हालांकि अभी सारे स्लॉट्स बुक है, कोई स्पेशल डेट नहीं मिल रही है किसी को भी, क्योंकि अभी डेट्स के जो स्लॉट्स हैं वो फुल हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपके इसी रजिस्टर्ड नंबर पे ही इंफॉर्मेशन आएगी इन फ्यूचर, जब भी स्लॉट्स अवेलेबल होगा आपके लिए। इंटरफेस मिलेगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। मैं यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, तो मैं साइन इन करके मैंने मोबाइल नंबर डाला है, अब मैं अपना ओटीपी से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरा, नाम आया हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ है, डोज वन, अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल्ड। मैं यहाँ पे चाहो तो और मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ क्लिक करके, यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड, फोटो आईडी नंबर, उनका नेम, और जैसे मैंने अपना किया था उसी तरह से मैं दूसरे मेंबर्स का भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। चार मेंबर तक मैं रजिस्टर्ड कर सकता हूँ एक ही मोबाइल से। तो मेरे को अभी नहीं करना है रजिस्टर्ड दूसरे मेंबर को, तो मेरे को अपने लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। देखिए शेड्यूल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो नीचे आएगा शेड्यूल नाउ, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, मैं पिन से सर्च करता हूँ, जो पिन है यहाँ पे दिल्ली का, और देखते हैं उससे इस तरह से। देखिए ये आपको यहाँ पे शेड्यूल निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो आप पेड, कुछ पेड भी है दिल्ली में, कुछ पेड जगह है सेंटर से जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए बुक्ड है, ज़्यादातर बुक्ड है, 1 मई से स्टार्ट हुआ है वैक्सीनेशन, जो अभी 1 मई से होना है। उसके बाद देखिए 45+ 45+ ही सब नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ये पेड भी देख रहे हो आप, कुछ सेंटर्स है जहाँ पे पेड है, आप पैसे देकर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो, बट ये भी ऑलरेडी बुकड है। आप देख रहे हो सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है वैक्सीनेशन की। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन करवाइए एंड बी सेफ, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलिए रजिस्ट्रेशन कराइए, और वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके उसको कराइए, फॉलो कीजिए, और अपनी लाइफ को और अपने मेंबर्स को सभी को सेफ कीजिए। बहुत ज़्यादा सिचुएशन हॉरिबल है, एंड वैक्सीनेशन और प्रिकॉशंस, मास्क और सैनिटाइज़र, अपना हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ये सारे काम तो करने ही है, साथ साथ वैक्सीनेशन के बाद भी आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो देखिए इस तरह से आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो अभी मेरे को कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं मिल रहा है,
किसी भी तरह का कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। सपोज़ यहाँ पे मैं 45 प्लस पे क्लिक अगर करता भी हूँ तो वो वैलिड नहीं होगा, और अगर इस तरह से आप देखेंगे बार चलेगा ऊपर, बट वो वैलिड नहीं है क्योंकि मैंने जो एंट्री करी है अपनी डिटेल्स में, मेरी एज 45 प्लस नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो अभी सारे स्लॉट्स फुल हैं, तो वेट करना पड़ेगा। दोबारा एक बार फिर मैं क्लिक करूँगा वेबसाइट पर साइन इन करके और चेक करूँगा अगर कोई स्लॉट अवेलेबल होता है तो। और यहाँ पर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट से भी सर्च कर सकते हो। सपोज़ आपका डिस्ट्रिक्ट है साउथ डिस्ट्रिक्ट है या नॉर्थ है, कोई भी आप यहाँ पे लिखते हैं, सपोज़ हम लिखते हैं यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली और सर्च करते हैं तो उसमें किस तरह के स्लॉट्स अवेलेबल है ये भी आप देख लीजिए। तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ भी जो भी आपके सेंट्रल दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के, वो सब आप देख सकते हो यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादातर बुकड हो चुके हैं, या फिर 45 प्लस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो 45 प्लस वालों के लिए अभी भी स्लॉट्स अवेलेबल है, तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए।